देश में महामारी की वजह से हालात हर बीते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 4 लाख को पार कर चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए देश के 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और उन्हें हकीकत से रूबरू करवाया है। हर तरफ चीख पुकार है, लोगों की सरकार से गुहार है, अस्पताल दो, ऑक्सीजन दो, बिस्तर दो, इस मुश्किल वक्त में मदद करो। स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसीलिए विपक्ष से लेकर विदेश के नेता मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब तो 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ तो करो सरकार, अब तो जागो सरकार। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई है कि देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति मिले, जिससे वायरस को और करीब से समझा जा सके और समय रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाएं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। कई सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में जो सक्रिय मामले नजर आ रहे हैं, असल में उससे 20 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई लोग न सिर्फ इस वायरस को फैला रहे हैं, बल्कि समाज में सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर समय रहते सटीक भविष्यवाणी कर दी जाए तो कई जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों की जान भी बच सकती है। पीएम मोदी से अपील की गई है कि इस मुश्किल समय में उनकी सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों को सिर्फ फंड ना दिए जाएं, बल्कि हर तरह की परमिशन और सपोर्ट भी दिया जाए। वैज्ञानिकों से लेकर हर कोई सरकार को आईना दिखा रहा है, लेकिन सरकार सच को जानकर भी अनजान बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता को अब भी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।